आचार्य जी, सभी अध्यापकगण और शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं जीविका कक्षा 8वीं से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सबने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। एक युवक बहुत भूखा था। वह एक सेठ के यहाँ गया। सेठ के घर में एक मरा चूहा पड़ा था। सेठ ने युवक से कहा, यह चूहा ले जा और अपना कारोबार शुरू कर, सेठ बन जा। युवक चूहा लेकर चल पड़ा। बात व्यंग में कही गई थी, परंतु युवक को चुभ गई। युवक चूहा लेकर बाजार में गया। बाजार में एक सपेरा खेल दिखा रहा था, सांप का खेल दिखा रहा था। युवक सांप को देखकर रुक गया। जब सपेरे ने खेल दिखलाने के बाद युवक के हाथ में चूहा देखा तो उससे कहा, यह चूहा मुझे दे दो, मेरा सांप बहुत भूखा है। परंतु युवक ने कहा, मैं इसे बेचने निकला हूँ। सपेरा हंसते हुए बोला, क्या मोल लोगे इसका? युवक ने कहा, 1 रुपया। सपेरे ने कहा, ठीक है, दे दो। सपेरे ने चूहा लिया और युवक को 1 रुपया दिया। युवक 1 रुपया लेकर चने की दुकान पर गया। वहां से उसने 1 रुपये के चने खरीदे और मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बेचने लगा। मंदिर में आने जाने वाले लोग पक्षियों को दाना डालते और सरोवर की मछलियों को चने खिलाते थे। युवक ने 1 रुपये के चने 2 रुपये में बेचे। इस प्रकार वह खुद अधपेट रहकर अपना कारोबार बढ़ाया और एक बड़ा व्यापारी बन गया। युवक एक दिन सोने का चूहा बनवाकर उस सेठ के यहाँ गया, जिसने उसे मरा हुआ चूहा दिया था। युवक सेठ के यहाँ जाते ही बोला, मैं तुम्हारा कर्ज ब्याज सहित चुकाने आया हूँ। सेठ युवक के हाथ में सोने का चूहा देखकर खुश हो गया और उससे कहा कि अब से तुम यही रहोगे। परंतु सेठ इस बात से अनजान था कि वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। युवक ने सेठ से कहा कि तुम्हारी व्यंग में कही गई बात और तुम्हारे मरे हुए चूहे के कारण मैं इतना बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ, इसके लिए धन्यवाद। युवक सेठ के हाथ में मरा हुआ सोने का चूहा थमाकर चला गया। युवक सेठ देखता रहा, परंतु कुछ कह ना सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत करते रहो, सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए 4 शब्द कहना चाहूँगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में श्वास भरता। गिर कर चढ़ना आखिर निर्णय अखड़ता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।